हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी। हिंदी का क्षितिज भाग 2 है, पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इनका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय और पाठ का सारांश, कठिन शब्दों के अर्थ और कुछ अपठित गद्यांश को पढ़ा था। आज इसी के आगे हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इसका उत्तर है कि देवदार वृक्ष की जो छाया है वह शीतल और मन को प्रसन्न और शांत करने वाली होती है। लेखक और उसके साथियों के साथ फादर फॉर्मिल के निर्लिप्त रूप से हंसी मजाक करते साथ साथ संगोष्ठियों में तर्कपूर्ण और गंभीर बहस करते, अपने समकालीन रचनाओं पर अपनी राय देते, भरे हुए संस्कारों और उत्सवों में रोहित एवं अंग्रेज की तरह आशीर्वाद देते थे। इसी कारण लेखक के व्यक्तित्व को देवदार की छाया कहा गया। क्यों? क्योंकि फादर कॉम्बिल का जो व्यक्तित्व था बहुत ही वो अच्छा था। वह हंसी मजाक करते थे, सभी को अपनी सलाह देते थे और कुछ घरेलू प्रोग्राम होते थे तो उनमें भी वो जाकर अपना आशीर्वाद देते थे और सबकी हमेशा वह मदद करते थे। इस कारण लेखक को फादर कर व्यक्तित्व को देवदार की छाया कहा गया। प्रश्न दूसरा है कि फादर बुल के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, यह ऐसा किस आधार पर कहा गया? उत्तर है कि फादर कॉम्बिल के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। उन्होंने भारत को लेकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है तो उन्होंने कहा कि मेरा देश तो अब भारत ही है। और फादर भारतीय मिट्टी में बहुत अधिक रच बस गए थे और भारत में रहकर उन्होंने राम कथा के उद्भव और एवं विकास पर भी अपना शोध कार्य किया। उन्होंने हिंदी भी सीखी। ये क्या हो गया? उन्होंने भारत में रहकर राम कथा के उद्भव और विकास का कार्य किया। इतना ही नहीं, फादर ने हिंदी भी सीखी ही नहीं, अंग्रेजी और हिंदी का सबसे अधिक प्रमाणिक शब्दकोश तैयार किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों का अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे और वे सचमुच भारतीय संस्कारों में हो चुके थे और उन्होंने हिंदी भी सीखी थी। फिर है कि पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुलके का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। इसका उत्तर है कि फादर कॉम्बिल बुलके को हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे अधिक प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। मतलब अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अर्थ क्या होता है वह तैयार किया। उन्होंने बाइबिल और ब्लू बर्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया था और उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास पर भी उन्होंने अपना शोध प्रबंध किया। इसके बाद भी सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ जुड़े और जहाँ तहाँ हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए भी खूब प्रयत्न किया और इसके लिए उन्होंने अपना योगदान भी दिया।
अब है प्रश्न कि इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है अपने शब्दों में लिखिए। तो फादर कामिल बुल्के एक आत्मीय सन्यासी थे, ईसाई पादरी थे। इसे हमेशा एक सफेद चोगा धारण करना होता था, उनका रंग गोरा था, चमड़ी का पतंग अलग रहती हुई उनकी दाढ़ी थी और वह भूरी थी, आंखें नीली थी, बाने हमेशा गले लगाने को आते थे। उनके मन में अपने प्रियजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह था। वे सबको स्नेह सांत्वना सहारा और करुणा देने का कार्य करते थे। अब है प्रश्न कि लेखक ने फादर बुल्के को मान्य करना की दिव्यचमा क्यों कहा? इसका उत्तर है कि फादर मानवीय गुणों से लबालब थे। मानवीय गुण मतलब उनमें दया, रहम, मदद, स्नेह, करुणा, ईमानदारी, ये गुण उनमें बहुत अधिक थे और मानव के कल्याण के प्रति उनमें भावना थी। उनमें अपनत्व, ममत्व, करुणा, प्रेम, वात्सल्य तथा सहृदयता थी। वे सहृदय इतने थे कि एक बार समीप आकर सदैव समीप बने रहते थे। वर्षा में बादलों की गड़गड़ाहट था, बिजली की चमक, गर्मी की तपन और सर्दी की शीतलन उन्हें प्रियजन से मिलने तक भी नहीं रोक पाती थी। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, वह सबसे मिलते थे। इसी प्रकार प्रियजनों के संकट के समय ऐसी सांत्वना देते थे कि वे अपने दुख को भूल ही जाते थे। यही कारण था कि लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। प्रश्न कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? तो फादर बुल्के ने भारतीय संस्कृत सन्यासी प्रवृत्ति के आधार पर खरे सन्यासी नहीं थे। लेखक के अनुसार वे केवल संकल्पित सन्यासी के मन से नहीं, उन्होंने परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से अलग नई परंपरा को स्थापित किया और वे संभवतः आत्मनिर्भरता के लिए से कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन करते थे। प्रियजनों के प्रति सम्मोह रखते थे, सभी के घर समय समय पर आते जाते थे, संकट के समय सहानुभूति रखेंगे, बहुत मेहनत बनाते थे। इस तरह उनकी छवि परंपरागत सन्यासी की तरह नहीं थी। अब है कि आशय स्पष्ट कीजिए। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। का ऐसा अनुमान था कि एक विदेशी सन्यासी की मौत पर कौन आंसू बहाएगा? एक फादर कॉमिल तो एक विदेशी है और उनकी मौत पर कौन आंसू बहाएगा? किंतु लेखक का यह अनुमान सही नहीं निकला। फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वाली थी इतनी भीड़ उमड़ रही थी कि उन्हें गिरने का प्रयास करना या उनके बारे में लिखना स्याही फैलाने जैसा। फिर है दूसरा कि फादर को याद करना एक उदार शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका उत्तर है कि हम फादर कामिल बुल्के को याद करते हैं। उनका जो करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व है, उनको याद करने से उनका हमारे सामने व्यवहार आ जाता है। उनके ना रहने से मन में उदासी करने लगती है, पर ऐसा लगता है मानो सामने कोई शांत संगीत बज रहा है। जब हम फादर कामिल को याद करके उदास हो जाते हैं, तब लगता है जैसे कोई संगीत बज रहा है। अब ये प्रश्न कि आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? तो इसका उत्तर है कि फादर ने ईसाई धर्म के सन्यासी थे, वे बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा सुना होगा और अध्ययन भी किया होगा। उसके बाद उन्होंने जान लिया होगा कि भारतीय कितने सहृदय हैं, वहाँ अतिथियों का सम्मान होता है और वहाँ सहृदयजनों पर के मध्य रहकर अपनी संस्कृति से परिचय कराने में
सफलता होगी और भारतीय संस्कृति को जानने में सहायता होगी। आध्यात्म के लिए भारत भूमि तो पूरे जगत में प्रसिद्ध है और यही कारण हो सकता है कि अध्यात्म में रुचि रखने के कारण उन्होंने भारत आने का मन बना लिया है। फिर वे प्रश्न की बहुत सुंदर है, मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल, इस पंक्ति में फादर ने अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी संभावनाएं व्यक्त की? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति में फादर ने स्वाभाविक देश प्रेम व्यक्त किया। जन्मभूमि से गहरा लगाव होने के कारण उन्हें वह बहुत सुंदर प्रतीत होती है। मैं भी अपनी जन्मभूमि भारत का पुत्र हूँ, यह धरती मेरी माता के समान है और मुझे इस पर सब कुछ प्रिय लगता है। मुझे यहाँ का अन्न जल की संस्कृति सब बहुत प्यारे हैं। मैं उस उत्थान में जीवन लगाना चाहता हूँ और मैं संकल्प भी करता हूँ कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कि मेरी जन्मभूमि का अपमान हो। अब है निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक छांट कर लिखिए। तो तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी वह दिल्ली आते थे, तो इस वाक्य में समुच्चय बोधक छांटना है तो इस वाक्य में और समुच्चय बोधक है क्योंकि यह दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तब जब वह इलाहाबाद में थे फिर भी वह और तब भी वह दिल्ली फिर दूसरा कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, तो इस वाले में क्या है समुच्चय बोधक शब्द की लड़का, माने क्या पहले घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से है। फिर है वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, यहाँ पे समुच्चय बोधक क्या हो गया तो। फिर है कि उनके मुख से सांत्वना के लिए चालू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो भी किसी गहरी तपस्या से ही जन्म लेती थी, तो इसमें कौन सा है समुच्चय बोधक शब्द जो, क्योंकि तो यह दो शब्दों को जोड़ रही है। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाती थी। अब यहाँ पर दो समुच्चय बोधक शब्द हैं, पहला तो है ये और दूसरा लेकिन, कि पिता और भाइयों को बहुत अधिक लगाव मन में नहीं था लेकिन वे स्मृति में अक्सर डूब जाते थे। अब है कि फादर पुलके की तरह ऐसी अनेक विभूतियां हुई हैं जिनकी जन्मभूमि अन्यत्र थी लेकिन कर्म भूमि के रूप में उन्होंने भारत को भी चुना, ऐसे अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। इसका उत्तर है भगिनी निवेदिता सबसे पहले, ये मूलतः इंग्लैंड की रहने वाली थी और ये भारतीय संस्कृति से इतनी अधिक प्रभावित हुई थी कि इन्होंने विवेकानंद जी के संपर्क में आने के बाद भारत में ही इन्होंने अपना पूरा कर्म किया और कलकत्ता में तो स्त्री शिक्षा के ऊपर इन्होंने स्कूल वगैरह भी खोले। भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की थी, वे वहाँ एक विश्वविद्यालय चलाती थी परंतु जब वे स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आई तो वह अभिभूत हो उठी। स्वामी विवेकानंद एक बार शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, वहाँ पर उनकी मुलाकात भगिनी निवेदिता से हुई थी।
स्वामी विवेकानंद एक समाज कल्याण के लिए नारी शक्ति का आह्वान किया। भगिनी निवेदिता इसके लिए तैयार हो गई। वे उनके साथ साथ भारत चली आई। उन्होंने यही नारी विद्यालय खोला। फिर है प्रश्न कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिनकी जन्मभूमि भारत है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश को बनाया है, उनके विषय में भी पता लगाएंगे। उत्तर है हरगोविंद खुराना भारत में जन्मे, किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि अमेरिका को बनाया। एक अन्य पहलू यह भी है कि पश्चिम की चकाचौंध से आकर्षित होकर अनेक भारतीय विदेशों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। इस पर अपने विचार लिखिए। पश्चिम मतलब जो विदेश चले जाते हैं। भारत में अनेक प्रतिभाशाली लोग पश्चिम की चमक दमक में जीने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में चले जाते हैं। अपनी जन्मभूमि की कीमत वहां पर रहना अपनी जन्मभूमि की कीमत पर वहां रहना अनुचित है। भारत माँ का अन्न खाना और सेवा पर देश की करना किसी भी तरह उचित नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद है कि आप अपने मित्र को पत्र लिखिए जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टियों के दौरान भारत के पर्वतीय प्रदेशों के भ्रमण हेतु निमंत्रित करते हुए पत्र। तो उत्तर है सबसे पहले कि अपने मित्र का क्या लिखना है, पता लिखना है कि आपका मित्र कहाँ रहना। जैसे है रक्षा कॉलोनी एल आई जित्री रांची जबलपुर मध्य प्रदेश। फिर लिखना है मित्र का नाम, फिर उसको अभिभावन के सप्रेम नमस्कार। फिर लिखना है बीच में कि कुशलता से रहते हुए कुशलता की कामना करता हूँ, तुम भी कुशल होगे, माता जी पिताजी प्रसन्न होंगे। और इस बार गर्मी की छुट्टी में 1 मई से प्रारंभ हो रही है, इन दोनों तुम्हारी भी छुट्टियाँ होती हैं। मैं चाह रहा हूँ कि तुम इस बार भारत आओ, क्योंकि इस बार यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थान दिखाना चाहिए। तुम्हें प्राकृतिक सौंदर्य सौंदर्य के बिखरे हुए क्षेत्रों की सैर कराऊंगा। पचमढ़ी अमरकंटक बहुत ही सुंदर स्थान है जिसे मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, और तुम्हारे साथ ऑस्ट्रेलिया में बिताए हुए दिन मुझे अभी तक याद है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में था तुम भी भारत आओ और मेरे साथ यहाँ पर भारत भ्रमण करो। आखिरी में